पानी ले आती हूँ। अरे मुखिया जी, राम राम। राम राम। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। गंगाराम के बेटे की बहू हूँ मैं। गंगाराम के बेटे की बहू? लगता है थोड़ी सभ्यता से बाहर हो। क्यों? तुम्हें मालूम है कि जब कोई बड़ा आता है तो उसके सामने घूंघट करके देते हैं। अब बड़े कब कहाँ मिल जाएं तुम? ऐसे तो मुझ पे हर समय तो घूंघट करके रहा नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लग रहा है कि तुम पुराने जमाने के हो, तुम पुराने जमाने में ही जी रहे हो। हाँ हाँ, हम जब भी किसी को नसीहत देते ना तो हमें यही कहा जाता है पुराने ख्यालात के। तो नसीहत दो ही मत ना, तो तुम्हें पुराने ख्यालात का कोई बताए। सही बात करो। नसीहत देना हमारी आदत है। क्यों है? उस आदत को समझो ना, बदलो ना। मतलब आज का कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करो ना। आज का कल्चर? ये आज का कल्चर और क्या? सामने से एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है और बिना घूंघट के तुम जा रही हो। तो बुजुर्ग को जरूरी है कि बहुओं के मुंह के आगे ही रुकना है? अरे बुजुर्ग को अगर शर्म आ रही है तो नीचे नजर करके बुजुर्ग निकल जाए। मतलब हम अपनी नजरों को नीचे कर लें और क्या, तुम थोड़ी देर घूंघट ना काट सको है? अच्छा, तुम्हारे लिए घूंघट काट लें और हम कहीं जाके खरंजे पे गिर जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। खरंजे पे? और क्या। अरे और भी तो लोग हैं, मैंने देखे हैं कितनी सब बताए उनमें, मगर कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। किसको महत्व नहीं देते? सभ्यता को। हम सभ्यता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आंखों की शर्म होती है। जरूरी नहीं है कि पर्दा कर लो और अंदर ही अंदर गाली दो, वो नहीं है। ऐसे लोगों को तो शायद भगवान भी ना समझा सके। समझाने की जरूरत ही नहीं, बनवाई ही हम भगवान ने है। भगवान क्या समझाएगा, उसने ऑलरेडी समझा के ही भेजा है हमें। वाह रे गंगाराम, वाह रे गंगाराम, अपनी बेटी की बहू बड़ी अच्छी जगह से छाट के लाया तू। और क्या। एक बात बताओ मुखिया जी, आप ये कह रहे हो कि कहाँ से छांट के लाए, क्या बुराई है हमें? ये बताओ क्या परेशानी है? क्या मतलब काढ़ी हूँ, भैड़ी हूँ, क्या क्या पहन रखा मैंने? शॉर्ट कपड़े नहीं पहने, सूट नहीं पहना, कुछ और नहीं पहना मैंने। अपने भारत की आन बान शान साड़ी पहन रखी है जो हमारे यहाँ पे चलती है। भारत की आन बान शान साड़ी पहन रखी है। अगर इस साड़ी का पलड़ा जरा सा सर पर रख लेती तो और शान बढ़ जाती। अच्छा, अगर तुम इन नजरों को जरा झुका के चले जाते तो शायद मेरी शान बढ़ जाती, क्योंकि आपको बहुओं से मुंह लगने की ज्यादा जरूरत है। मुझे बहुओं से मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी किसी को गलत देखता हूँ ना तो समझाने की कोशिश करता। देखो गलत मैं नहीं, गलत आपकी सोच है। और मेरी बात सुनो, आप थोड़े पुराने ख्यालात से बाहर आके बात करें ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं चलती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपके साथ। बस ये टीवी सीरियल ने आज के लोगों को बिगाड़ कर रख दिया है। चलो चलता हूँ। राम राम। अरे राम राम, क्यों रहते हो? अरे चौंक तो तुझे देख के रहा हूँ, ये हेलमेट क्यों लगा के घूम रहा है? हेलमेट? हाँ। वो इसीलिए लगा के घूम रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले चालान ना काटते हैं। चालान? हाँ। अरे भाई ये पैदल चलने पे कब से पुलिस वाले चालान काटने लगे? जी परसों में बैंक से मारो। हाँ। और तड़प से ना आगे पुलिस वाले चाल, तुरंत उन्हें चालान काट दो। लेकिन ये हेलमेट सर पे लगा के और पैदल क्यों जा रहा है? जरूरी है ये हमारी सेफ्टी के लिए। अरे सेफ्टी के लिए बाइक पे हो और स्कूटर पे हो या पैदल ना हो। हाँ मुखिया जी, मगर सुनो, बाद में बैंक चल रही है और वो कैश करके सड़क किनारे आ गई, सड़क पे, और पुलिस वाले ने लपक ली वो। तुरंत चालान कर दो है? तुरंत। तेरी बात मेरा पल्ले ना पड़े बिल्कुल भी। हाँ अच्छा चल, तू एक काम कर, ये हमारी कुछ सभ्यता कुछ समझ में नहीं आ रही है। जिस स्त्री को देखो घूंघट नीचे भागी जा रही है। अब तू एक काम कर, मुखिया होने के नाते मैं तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। गांव में घूम के सब औरतों को यह बता दे कि जो कोई भी घर से निकले तो घूंघट डाल के निकले, बिना घूंघट के कोई ना निकले। समझ में आया होगा? इन बातों से तुम्हें का मतलब है? अरे इन बातों से मुझे ये मतलब है कि जब भी कोई मेरे सामने आए तो ऐसा लगे कि वो अपनी सभ्यता के अनुसार जा रहा है। अब कोई सभ्यता में ना रह रहा तो तुम्हारी का हूँ? अरे मैं तुझे समझाने के लिए कह रहा हूँ, बस तू सबसे कह दे, बाकी काम वो देख लेंगे। मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। अरे तू मेरा फायदा मत सोच है, ये हमारे पूरे गांव का फायदा है। कल लागू कोई तुम्हारे ऊपर बात ना आवे। हमारे पर क्या बात आएगी मुखिया जी? सुनो, ये नया जमाना आ गया, पुराने जमाने में मत जियो। अरे नया जमाना क्या है, जब आजकल तो ऐसी मिलेंगी, जब से ये टीवी सीरियल शुरू हुए हैं, जब से हर घर की बहू ऐसी बदल गई है। बदलेंगी, वो जमाना बदल लो, बहू थोड़ी बदल रही है।
तू तो हमारा फरमान गांव में पहुंचा दे, बाकी कौन मानता है कौन नहीं मानता ये बाद में देखेंगे। ठीक है तो तुम्हारी बात हम पहुंचा और ये हेलमेट उतार के घर रख के जब स्कूटर चला ना, 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 ना। हेलमेट लगा के जाऊंगा मैं, हेलमेट लगा के जाऊंगा। चालान कौन भरेगा फिर? तेरी बात मेरा ना पड़े। और सुन, फरमान ये है कि अगर बिना घूंघट के कोई भी औरत घर के बाहर पाए गई तो 11,000 रुपए जुर्माना लगेगा। अच्छा हाँ, और बगैर हेलमेट के? बिना हेलमेट के? बिना हेलमेट के तो तू समझदार है। अच्छा तो ठीक है, ठीक है मैं कल ही जा रहा हूँ। जा, हमारा मैं आवाज कवर कर रहा हूँ। हमारा फरमान गांव गांव पहुंचा दे, ठीक है, तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है मुखिया जी, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी जाओ। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कोई भी लेडीज, कोई भी अम्मा, कोई भी बहू बगैर घूंघट के ना निकले बाहर। अगर दिख जाए बगैर घूंघट के तो 11,000 रुपये का देना पड़ेगा जुर्माना मुखिया जी की चौपाट पे। अब देखता हूँ आगे कौन है। अरे भैया कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? हाँ कहाँ देख रहा हूँ तुम्हें? जी डुमडुमी सी बजा रहे हैं जो घर में, कहाँ देख रहे हैं जी? पहले तो जो घूंघट नीचे करो। क्यों क्यों भैया? 11,000 रुपये को जुर्माना लग जाए। वो कह रहे हो मुखिया जी कह रहे हैं। मुखिया तुम पागल है क्या? क्यों भैया यार नीचे कर लो। अरे हम ना कर रहे नीचे, और जुर्माना देखे हम कितना रखने वाले जुर्माना हमारे ऊपर। अच्छा और का अकड़ रही हो? और का मुखिया जी तो कहनी पड़ेगी। ए, कह दी मुखिया जी, माँ का बुना तो अपना है तुम मुखिया जी। भाई यार नीचे कर लो घूंघट है। ना करेंगे हम, ना करेंगे ना। ठीक है अभी मुखिया जी से शिकायत कर रहा हूँ। कर दो ठीक है, अभी कर रहा हूँ। ठीक है अभी देखूंगा, अभी बनना पड़ेगा ना जुर्माना। ठीक है जब देखूंगा। हाँ अभी दांत ले कर रहा हूँ। सुनो 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 गांव वालों, कोई भी महिला, कोई भी अम्मा, कोई भी बहू बगैर घूंघट के बाहर ना निकले। अगर दिख गई बगैर घूंघट के तो 11,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा मुखिया जी की चौपाट पे। कोई भी, अरे कुछ बेच रहे हो क्या भैया? बेच रहे हैं? हाँ। एक बात आ, जो कुछ आ रहा बेच रहे, तुम्हारे कान फूट गए। कान फूट गए? कहा कह रही हूँ, सुनाई ना पड़ रही? लग ऐसे रहे हो जैसे कुछ बेच रहे हो, जैसे मदारी खेल दिखाने आते ना डमरू बजा के, ऐसे लग रहा है। मुखिया जी का पट्टा है। पट्टा? तुम तो कहीं से पट्टी भी ना लग रहे हो। पहली बात तो ये घूंघट नीचे करो, घूंघट घूंघट आ रहा। क्यों? क्यों मेरे जेठ लग रहे हो जो तुमसे घूंघट करूँ मैं? 11,000 रुपये का जुर्माना है। मैं घूंघट शुरू से ना करती हूँ, जब शादी होकर गई तो मैं तो ऐसे मुँह खोल के गई थी। जुर्माना ना भरोगी फिर? जुर्माना? हाँ। काय बात का? भैंस बकरियां बिक जाएंगी। किस बात का जुर्माना? जुर्माना इस बात का है बगैर घूंघट के ना निकलोगे बाहर। बगैर घूंघट के ना निकलो? हाँ। मैंने अभी तुमसे क्या कहा, जिस दिन मैं यहाँ शादी होकर आई थी तब भी मैं घूंघट नहीं करती थी, किसी से भी नहीं करती थी। अच्छा एक बात आओ, तुम पे तो चलो साड़ी है। हाँ। और तुम पे घूंघट भी है। हाँ। हम पे घूंघट नहीं है, हम हेलमेट देखो है ना है। अरे हाँ इस बात पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हेलमेट क्यों लगा रखा है तुमने? इसलिए लगा रखा है तुम्हारे लिए घूंघट और हमारे लिए हेलमेट। क्यों? वो कैसे? वो ऐसे कि कोई भी आदमी बगैर हेलमेट के नहीं चलेगा, और कोई भी नारी बगैर घूंघट के नहीं आएगी। अच्छा। ये मुखिया जी का आदेश है। तो ये बताओ, ये हेलमेट तो जब बाइक पे चलते तब लगाया जाता है, ये फालतू में पैदल चल रहा है जो इंसान, वो क्यों फालतू में लगाए फिर रहे हो? फालतू में फालतू लगाता है बैठे, सेफ्टी के लिए है ये। अरे आप कौन, तुम्हारे सर में डंडे बजा रहा है कि सेफ्टी पे, जब बाइक पे चलते हैं तब सेफ्टी लेनी पड़ती है। इसे तो कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा चल पैदल चल रहे हो और क्या? तुम्हारी ये बताओ, पैदल चलने पे कौन सा चालान कट रहा है तुम्हारा? कोई पता कब कट जाए? और एक बात सुनो, तुम कुछ भी लगा के घूमो, हमें क्या मतलब इस बात से? लेकिन घूंघट मारोगी? घूंघट नहीं मारेंगे हम, किसी का भी हम नियम फॉलो नहीं करते। तो ठीक है 11,000 को जुर्माना भर दूंगा। कौन सा? हमें 11,000 हम उल्टे ले लें तुमसे और तुम्हारे उससे मुखिया से। हाँ और क्या, हमारी जुल्फे ना बेकार हो जाएंगी अगर हम घूंघट करके फिरेंगे तो। अच्छा तो जुल्फे दिखाओगी? हाँ जो दिखाने की चीज है वो तो दिखाई जाएगी ना। तो ठीक है मुखिया जी से शिकायत कर लूंगा। कर दो जाओ, चमचे दिखो तुम उसके, गुलाम दिखो। कौन के गुलाम? मुखिया के। वो तो पता पड़ेगी कौन गुलाम है कौन मुखिया है। इसकी एक कांगड़ी दूसरी कांगड़ी बजाने वाली, मत देखो इकट्ठा बजा दे भाई। चल निकलो निकलो चलो यहाँ से। सुनो 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 गांव वालों, कोई भी लेडीज बहू अम्मा बगैर घूंघट के बाहर ना निकले।
अगर दिख जाए तो 11,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की चौपार पे और मैं तो सोच रही कहीं के खेल दिखाने वाले आए, ये तो कोई टोपा सा आ गया है। टोपा सा? हाँ, ये टोपा दिखाई दे रहा हूँ। ये टोपा, इसको कह रही हूँ टोपा लगा के। हेलमेट है? अच्छा हाँ। तो भैया पहली बार देख रही हूँ। एक आधार तुम्हारे सवन के कान फूट गए। कान तो सही है, जब ही तो सुन के आ गई, लेकिन सुनाई दे रही। मैं कहा कह रहा हूँ, मुझे ये लगा तुम हेलमेट फेंकने आयो चांद पर रख के, वरना पैदल वाला कौन लगाता है। पहली बात तो ये घूंघट लगाओ, पहले घूंघट लगाओ। क्यों भाई घूंघट करो? अगर तुम्हें शर्म लग रही है तो तुम डाल लो ना घूंघट। मेरे तो लग रहा है। क्या? हेलमेट। मुंह तो दिख रहा है ना, तो मुंह से का करो घूंघट। घूंघट करें भाई। मुखिया जी का आदेश ये है कि आदमी पे हेलमेट और नारी पे घूंघट होना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं करोगे तो 11,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखो आदमी तो बढ़िया बिक जाएंगी। मेरी बात सुनो, आदमी तो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं क्योंकि वो 11,000 रुपए का जुर्माना ना दे पाएंगे, और औरत तो घूंघट करेंगी ना। तो कि तुम दे लोगी? क्या दे लोगी? 11,000 रुपए? 11 रुपए ना दूं मैं तो फिर घूंघट कर लो। और ऐसा रोंदू धके ये प्रधान के चेले को भी और प्रधान को भी, जाके बुलाना अपने प्रधान को और प्रधान के चेला ना पट्टा है। और सुनो प्रधान से कह देना गंगा राम के बेटे की बहू कह रही थी, प्रधान को भी धर के भगाऊं यहाँ से। तो गंगा राम जी का तोप है, मान ले तोप है, जो आदेश है वो दे। तोप नहीं है, रॉकेट है, पूरा नीचे से घुस के ऊपर से निकलेंगे। हाँ ठीक है, मुखिया जी से कह दूंगा। कह दो, मुखिया जी कहेंगे तोप है, विधायक है, मुखिया जी है, मुखिया जी बन के रहे। मैं उनको आदेश को पालन न करोगी? तुम करो ना पालन। जो? क्यों? जो मैं ना दूं तो बोलिए काम के। हमारे घर में हमारा ससुर हमें कमा के खिला रहे हैं, हमारा पति हमें कमा के खिला रहे हैं, मुखिया क्या कर रहा है? मुखिया का आदेश माने? काय के सामने घूंघट ना करो। क्यों करे? जाओ कह देना ना कर रहे। ठीक है, मैं तो कह दूंगा मुखिया। कह दो जाओ, चुगलियां करते फिरोगे? करोगी क्या? मुखिया जी मतलब हमारी आवाज पर नहीं निकल के आ रहे, डमरू की आवाज पे आ रहे हो तुम भी, कतई मदारी हो रहे हो। अब ये बता जो काम तुमको सौंपा था वो करके आया कि नहीं? वो मुखिया जी मैंने पूरे काम कर दो तुम्हारा। अच्छी भली बात है भाई, पूरे काम में मैंने रौला काट दो। कुछ कुछ और तो कर। सुनो अगर कोई करे घूंघट या ना करे या बात माने या ना माने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने कह दियो तो कह दियो। चल तेरा काम तो इतना ही था ना, डुगडुगी बजा के सबको कहना, तूने कह दिया। अब बाकी कोई करे या ना करे वो 11,000 रुपए का जुर्माना भुगतेगा। कुछ भी करवा सही है क्या भाई? मैं तो चलावा मैं चलाने। हाँ तू अपने काम से जा। हाँ अब मैं कल गांव का एक राउंड लूंगा, देखूंगा कि तेरी बातों का कितना असर हुआ है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, राउंड लो वहां का। अब जा, कल सुबह निकलूंगा। ठीक है मुखिया जी। ठीक है ठीक है। अरे अरे मुखिया जी, राम राम। राम राम, तू तो वही है ना लाला राम की बहू? अरे गंगा राम की बेटे की बहू। हाँ हाँ गंगा राम की। हाँ। लेकिन कल का फरमान लगता है तूने सुना नहीं? सुन लिया। सुन लिया? सुन लिया फरमान भी। उसके बाद भी कोई? क्या कोई मतलब तेरे अंदर कोई अंदर बदलाव नहीं आया कल का सुनने के बाद? ना दूसरों की बातों का बदलाव नहीं आता हम पे। ठीक है तो फिर और क्या, 11,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे। तुम हमें दे देना 11,000 रुपए। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको देगा। हाँ जाओ बुला लाना किसी भी कमिश्नर को, हम नहीं देने के किसी को रुपया भी। अब तक तो सोच भी रहे थे बड़े के नाते इज्जत कर लें, लेकिन तुम इस तरह बात करते हो तो एक भी रुपया ना दे और एक भी कुछ ना भरे। हाथ धोती है किसी चीज की? मुखिया जी हो गया, सही बात तो करते ना, लेने देने की बात करें। ऐसी बेहूदी हो रही। चलो देखता हूँ। लगता है तुमने कल का फरमान नहीं सुना। कौन सा फरमान? अरे डुगडुगी लेके जो मुखिया का फरमान लेकर घूम रहा था। कोई काम का होता तो सुनते, फिजूल की बातों पर ध्यान देना अब हमने बंद कर दिया। ये फिजूल की बात नहीं है, सभ्यता की बात है और हमारे गांव की इज्जत की बात है। घूंघट काढ़ कर घर से बाहर निकलो, नहीं तो 11,000 रुपए का जुर्माना भरो। कौन से सन की पैदाइश है तुम्हारी ये बता दो। अरे हमारी तो जो है वो है, लेकिन हम इस गाँव के मुखिया है। तो गाँव के मुखिया हो, लोगों के घरों के मुखिया नहीं हो आप। ठीक है, ये आदेश हमारे ससुर वसुर करें तो कायदे की बात है, चलो माने भी जावे। अरे उन्होंने तो हमसे कभी आज तक कहीं ना घूंघट निकालने के लिए, तुम कह रहे हो। लगता है तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में जो है ना भूसा भरा है।
इसलिए तुम सभ्यता से बाहर हो। तुम्हारे दिमाग में मुखिया जी भूसा भरा, देखो मैं चाहती ना हूँ तुम बहुत बड़े हो गाँव के मुखिया हो, फालतू में तुमसे बदतमीजी करूँ, ठीक है ना? तुम्हारे दिमाग में भूसा भर रहा है जो अब गाँव पे निकल रहा है वो। अरे तुम्हारे दिल में मुखिया के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? अरे इज्जत जैसे काम तो करो तभी तो करे इज्जत। इज्जत जैसा ही तो काम कर रहा था। अरे लो ये इज्जत जैसे काम हो रही है। अरे अच्छी वाली साड़ी पहन के गाँव की बहुएं घूम रही है। इज्जत जैसे कोई काम करे तभी तो तुम्हारी इज्जत करे। अरे ये कर रहे हो इज्जत जैसे काम तो करने की कोशिश करी मगर तुम मानो तब ना। अरे लो हम कौन सी बात नहीं मानते हैं भाई, ये बताओ तुम मुखिया आओ गाँव पे वैसे कामों पे ध्यान दो, नाली नूली ना बने हो, लट्ठे वट्ठे ना गड़े हो। अरे मैंने कौन सा भार डाल दिया तुम्हारे ऊपर, बस जय फरमाइश। और एक बात और सुन लो करके निकलो। मुखिया जी एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके तो तुमने किसी से कह दिया कि घूंघट करके निकलो, तुम्हारे नियमों को कोई फॉलो ना कर रहा है, सब तुमसे फूके और जले और बैठे हैं, सही बता रही हूँ मैं तो? तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें नहीं आएंगी। देखो ऐसा हम तो घूंघट करेंगे नहीं, ठीक है? जब मेरी शादी होके आई थी तब भी मैंने घूंघट नहीं निकाला, तो अब क्या घूंघट निकालूंगी ये बताओ? देखो कुछ पत्रकार गांव में आ रहे हैं। अरे पत्रकार आएंगे तो अच्छी बात है ना, मुंह ढके हुए हमें कौन पहचाने, कम से कम फेमस तो हो जाएंगे पत्रकारों के सामने। बात तो सुनो, कुछ पत्रकार गाँव में आ रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ के लोग कितने सभ्यता में रहते हैं, इसीलिए फरमान मैंने जारी कराया। लेकिन तुमने क्या है, तुमने क्या और बहुत से लोगों ने, वो लाला राम की बहू वो अभी मिली थी वो भी बिना घूंघट के थी और तुम भी बिना घूंघट। अच्छा एक बात बताओ, हम कोई ऊटपटांग कपड़े पहनने? एक मिनट मेरी हाँ बस हाँ जवाब दो। हाँ बताओ। कोई ऊटपटांग कपड़े पहनने? नहीं। कोई छोटे छोटे कपड़े पहनने? कुछ नहीं। मतलब किसी से बदतमीजी बोल रहे? कोई गलत काम कर रहे? बहुत अच्छा है सब, साड़ी पहन रहे सब कुछ अच्छा है नहीं? अगर इस साड़ी का पल्ला घुमा के सर पर रख लो तो तुम्हारा क्या जाएगा? मतलब घुमा फिरा के वही बात आ जाती है तुम्हारे अंदर। बात तुम्हारे हक की है, मेरे अगर तुम रख लोगी तो उसमें तुम्हारी वाहवाही होगी, मेरा क्या होगा? ना हमें इतनी वाहवाही लूटने की जरूरत ही ना है, क्योंकि हमें ज्यादा हम सुगड़ भलाई ना लेते हैं किसी की। ठीक है अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो 11,000 की रसीद जुर्माना बतौर तुम्हारे घर पहुँचा दी जाएगी। अच्छा हाँ देखो ऐसा है, रसीदे चाहे तुम कितनी भी भिजवा दो पर हमें वो रसीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तुम हमारी बात नहीं मानो, हम जुर्माना करते चले। मैं तो भैया जहाँ जा रही थी मुझे जाने दो, हटो। जाओ जाओ कोई बात नहीं मानता। अरे कमला देवी, अरे भाई तुम तो एक बहुत समझदार औरत हो गाँव की, तुमने भी घूंघट नहीं? अरे वही सारे सवाल जो पिछले औरतों ने किए। तो हमने क्या कर दिया ऐसे, हमसे तुम ऐसे कह रहे हो? अरे तुमने कुछ नहीं करा, बस मैंने कल एक फरमान जारी कराया था, सुना तुमने? एक आदमी डुगडुगी लेके घूम रहा था, सुना सुना। लेकिन तुमने फिर भी घूंघट नहीं करा। अरे हम क्यों करने लगे घूंघट, हम तो उतने ऐसे ही रहे तो ऐसे ही रहेंगे। यानी कि इस गांव में मुखिया की कोई कोई वैल्यू नहीं है मुखिया की? तो फिर मेरा मुखिया बनना बेकार है। बेकार ही है और क्या? ठीक है तुम्हारे घर 11,000 ऐसी बातन पे वो अलाउ कर देते हैं। 11,000 रुपए का जुर्माना तो देखने 11,000 का जुर्माना भी देखेंगे हम कैसे। अच्छा जुर्माना दे देंगे, घूंघट निकालेंगे। काय को जुर्माना दे हम? जुर्माना हम तो ना दे रहे, वो तो सरकारी रसीद का आएगा, पता पड़ेगी। ठीक है देखते देखेंगे तुम्हारा जुर्माना भी। अरे आज ही रसीद सबसे पहले तुम्हारे घर ही पहुँचाऊंगा। ठीक है पहुँचा दूंगा तुम्हारे घर पे। ठीक है। अरे धनुआ, ए रे धनुआ, अरे कहाँ मर गया धनुआ? कहाँ मर गया जी? देख हमारे फरमान का जो है गांव पे कोई असर तो हुआ ना है। ना हुआ? हाँ देख मैं तो चाहता था कि गांव की औरतें घूंघट करके निकलें, अच्छा तुम भी पैदानी फटी लकड़िया ले वो। अब फटी लकड़िया लेनी पड़ी, अब तू एक काम कर, ये सरकारी फरमान है कोई मैंने अपने घर से ना बनाया, इसमें कई रसीदे हैं सबके नाम की, अब जाके उन सबके घर पर चिपकवा दे। मुखिया जी मैं भैंस चराने जा रहा हूँ। भैंस चराने के बाद ये काम कर दियो, ये भी समझा कर तू, गांव का काम है ये। 11,000 रुपए का जुर्माना वसूल करना है तुझे, और तेरे लिए खुशी की बात भी है, हर 11,000 रुपए में से तुझे 100 रुपए दिए जाएंगे। अब तू देख कितने जुर्माने वसूल कर सकता है। हाँ जा अभी काम पे लग जा। मतलब एक एक पर्चा लगाना है? एक एक पर्चा लगाना घर में और 11,000 रुपए लेने हैं, बाकी तुझे पैसे मैं अपनी हवेली पे दूंगा। ठीक है तो ठीक है। ठीक है जा, उसके बाद भैंस चराइयो है ना, जा धनुआ। सही है, अरे हमारी बात तो किसी ने मानी नहीं, अब जुर्माना भरो क्या है भैया। है कोई घर में? है कोई?
काम मर ना ना जिंदे हैं बताओ क्या काम है तो कहीं ना मर गए नहीं कहने वाले थे जुबान पकड़ लेती हूँ मैं बताओ क्या काम है क्या काम है वो 11,000 रुपए दो किस बात के जुर्माना के अच्छा किसने कहा है तुमसे मुखिया जी का आदेश है तो आपने गलती कर दी आने में क्योंकि घूंघट तुमने करा नहीं है आके आपने गलती कर दी नाम की रसीद कट गई अच्छा और कुछ बोलना है और कुछ बोलना है अभी बोलो फिर बोलने लायक ना रहोगे 11,000 रुपए ले आओ दुकान से अच्छा आप मैं आगे गलती कर दी मुखिया जी को भेजना था क्यों ना 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 उनका आदेश है कि मैं शिल्टू सवन से अच्छा अच्छा तो 11,000 रुपए लेके जाओगे या सराफत से जाओगे लेके जाओगे 11,000 और क्या जब तुम्हारे नाम की रसीद कटी है तो अच्छा और क्या बिना लिए ना जाओगे अरे तो जुर्माना लेके जाओगे तो लेके जाओगे अभी जाओगे जाओगे ना जाओगे ना 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 एक मिनट लगेगी इसे ठोकने में और ये तुम्हारे और ये मुखिया के और ये तुम जैसे रड़ू भड़ू घूमते हैं ना इनकी वजह से ही रखती हूँ मैं तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए अलग में डाल दूंगी और गले में से बाहर निकलेगी यहाँ से निकलेगी गोली यहाँ से कोई बात ना क्या दूंगा क्या क्या दूंगा उनसे कहना कि तुम जाके ले आओ तुझे तो छोड़ दिया उसमें तो मार ही दूंगी कोई घर में हाँ है क्यों बताओ बताए 11,000 रुपए दो किस बात के किस बात के तुम्हारे नाम की रसीद कटी हुई है जुर्माना की तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या क्या ये मुझे ऐसा लग रहा है पागल खाने की गाड़ी कहीं रुकी होगी है तो उसमें से छूट गए हो तुम ऐसा ये बात कहेंगे मुखिया जी से अच्छा तुम मुझे जुर्माना तुम उनके चमचे दलाल 11,000 रुपए लगा के ला रही हूँ ना अच्छा 11,000 रुपए तू और बगैर 11,000 के चले जाओ तो क्यों चले जा भाई 11,000 लेके जाओ और क्या जब रसीद कटी है तो कट गई किसी के पास हो ही ना क्यों ना हो भैंस बकरिया बेचो अच्छा और क्या 11,000 रुपए के पीछे अपने मतलब भैंस को बेचेंगे तू भी करो बाल गन्ने बेचो हैं और क्या चाह खुद बिक जाओ और क्या पति को बेचो अच्छा रसीद तो रसीद है सरकारी काम है चाहे घर गिर भी रख दो कुछ भी करो XYZ कुछ भी कर सकते हो 11,000 रुपए भरने के लिए XYZ मासी आप कहाँ से आए कहाँ से आए हाँ मुखिया जी का पट्टा आए हम पट्टा ऐसे पट्टा होते तुम तो ऐसे लग रहे हो चोर से ऐसा ये बात करनी हो उनसे अच्छा तुम जुर्माना लेके आओ देखो हमारे पास पैसा ना है सीधी तरीके से निकल जाओ फालतू में वैसे दिमाग खराब है जाओ 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 जा, जा। ना 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 जुर्माना तो लेके जाऊंगा अरे भैया चला जा हाँ कुछ भी करो चुपचाप निकल जाओ ना, 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 ना। पैसे नहीं है मेरे पास नहीं है कछु ना घर में कुछ भी नहीं है टीवी बेचो अरे 11,000 रुपए की टीवी बेचूंगी मैं और क्या पागल ये मंगल ये सोने को पैर का डोली जा बेचो अबे चुप कर बे और क्या ये मंगल सूत्र बेच दू अपना और बेचना पड़ेगा जब जुर्माना भरोगी तो अच्छा और क्या चला जा चला जा ना 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 ले के आओ मैं राजी से कह रही हूँ चला जा पैसे ना है पैसे चाहिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू आदमी कम औरत ज्यादा है हाँ जुर्माना लेके आओ भैया चला जा दे जाओ लेके आओ अच्छा धक्का मार के लेके आओ तो आपके तो ले ही आऊंगा आदेश तो आदेश ही है खड़ा रही हो अभी ला रही हूँ ले आओ चलो कोई ना माने ना दे तो ये तो देगी लेके आ रही है अभी क्या रहे यार तू ले आ जल्दी देर में आ रही है ले तुझे पैसे दे दू आ जा हाँ बता कहाँ से गोली डालू तेरे अंदर बता कोई बात नहीं तेरे अंदर जितने भी छेद है ना सब में एक एक गोली छोड़ूंगी बता रही हूँ जागी का जरूरत ही है जरूरत क्यों नहीं है बेगू ना घर का सामान ना बेगू बता क्या कर लो कोई जरूरत नहीं चल जाएगी मर जाएगी कोई बात ना जेल काट जाऊंगी कोई परेशानी नहीं है जा तो नीचे करो पहले मेरा आदमी तेरा पैसा छुड़ा लेगा जाकी का जरूरत ही कोई बात ना कह दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं 11,000 रुपए अरे मैं बात कर लूंगा ना अभी तो तू घर का सामान उठा रहा था धक्का मार के और कह रहा हमसे है कोई घर में है कोई अरे चो चिल्ला रहे गला फाड़ मार के चो चिल्ला रहे चिल्ला जो रहे मुखिया जी का आदेश है तुम्हारे नाम की रसीद कटी हुई है काय की जुर्माना की काय को जुर्माना 11,000 रुपए लेके आओ ये का के मुखिया तुम 11,000 के पीछे पड़ गए हो 11,000 को जुर्माना लगो तुम्हारा कोई जुर्माना फुरमाना ना बगैर घूंघट के पकड़ी गई हो हाँ तो हम तो बगैर घूंघट के ही रहता
बगैर उंगोट के रहे में और का। तो फिर झेलो में 11,000 रुपए दो। काहे के 11,000 रुपए दे में लिखा है रसीद कटी भैया तुम्हारे नाम की। ए तो कटी भई तो हम का करें, सरकारी काम है ये। तो का करें 11,000 रुपए लेके आओ। हम पे ही ना है ही ना ना कछु भी करो कहीं से लेके आओ। का करें कछु कछु करो का कर ला लाओ लेके आओ भैया। पैसा पैसा तो है नाम पे। पैसा ना काहे फिर कछु ना कछु ना आ तो मेरे संग आओ। कहां जाऊं? मुखिया जी की चौपाट पे मैं हाजिरी लगाओ। हाजिरी लगाऊं और का जरूरी है? और क्यों ना जरूरी? और पैसा जब पैसा देना नहीं जुर्माना भरना नहीं तो चलो मेरे साथ। भैया तो कहां से लाएंगे 11,000 रुपए? तो ना तो आओ ना। आओ आओ चल। हां चलते हैं। आओ आओ। अबे टा छोरी की कुछ ज्यादा ही तुझे वो है ये बता। ला 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 ए, ना लुगाइयों से ज्यादा ही भिड़ता फिर तू ना ज्यादा जा हेलमेट लगा के ज्यादा ही बने जी। अरे तुम इसकी गैल कहां जा रही हो? अरे मान ले यार वो चौधरी बाकी हम प्रधान के यहां हाजिरी लगाने किस लिए? हाजिरी लगाने वो किस चीज की? वो जुर्माना आयो 11,000 को मेरे नाम। हां पर्ची आई है इनके नाम की। अच्छा जाके हेलमेट जाको जाको फेंको उतार तो के। चलो चलो तुम जल्दी। अरे रुक जा का करूं मैंने की चलू सोनी ना ले जाऊं फिर का ओ बे एक बार आधार तुम पटी लग रही है क्या ले रही हो? एक बार आधार मैंने तुम माफ कर दी तो कर नहीं अब उनमें जान दो हाजिरी लगवाने। अच्छा अभी ज्यादा दूर ना निकाल लाऊंगी अभी खावे का तुम अटक लड़ाई ले रही हो ना तो फिर वो अटक लड़ाई नहीं ले रही हो वो भी तो औरती है तो जुर्माना भरेंगी वो। कानून तो सबके लिए एक ही था। तो एक ही था जबरदस्ती से लेके जा रहा हूँ जबरदस्ती से कच्चा जान के हाजिरी निकाल के लाऊ जरा निकाल निकाल ही लाऊ बताओ। आओ बता जल्दी। क्या बताऊं? जा अब आ रहा है जरा खाने के बीच में। आप क्या हो रहा है मीटिंग से? अरे तू अभी गया ना है? अरे इनकी हाजिरी लगवा लो। काहे की हाजिरी? कहीं पर पढ़ाई चल रही है? मैं आके ले जा रहा हूं घूम में। मैं आके लगा ले जा रहा हूं चाची को। बे हाजिरी लगेगी चल तेरी हाजिरी लगवा काम कर रहा है। चल चढ़ाई की चढ़ाई से 4,000 तो मगर भाई ने चल चल तेरी हाजिरी हाजिरी तेरी हाजिरी लगवा पहले छोड़ दो। हां छोड़ दो कहां छोड़ दो हमारा जीना हराम कर रखा है। तो मैं तुम मां की लेके कब करी ले तू मुखिया जी चाची को देख के तुमने ज्यादा ही फसा रखा। बुला मुखिया जी। हां मुखिया जी बुला मुखिया जी को। ए मोदे का घूम रही है बुला के आपने उनको मुखिया ये क्या हंगामा मचा रखा है? मुखिया भाई ये दे रही है तू शांत रहो। ये नौकरियां जेले बंद करूंगी। अबे रुक जा बोलता एक कदम आगे चल रहे एक कदम। ऐसा मुखिया जी बात सुन लो कान खोल के। हम औरतें इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से दबके रहेंगे। और सुन लो अभी तो हम 4-5 आई हैं आगे को ज्यादा आए पूरा गांव आए उससे अच्छा ये चमचो को बंद कर लो अपना। और क्या? और सुनो थाने में बंद करा दूंगी पूरे सबको। हम महिलाएं योगी मोदी के आदेश है हम अपनी जिंदगी खुल के जी सकते हैं। अगर किसी ने भी आनाकानी करी और हमारी जिंदगी जीने में हमें रोक टोक करी तो हमसे बुरा कोई कोई नहीं होगा। मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो। देंगे। अरे मेरी बात सुन लो। आपने इतने बड़े बड़े नाम ले दिए योगी जी मोदी जी का आदेश है तो सुन तो लो। सुना आपसे कौन सी ऐसी बदतमीजी की गई? यही तो कहा गया कि जब आप घर से निकले तो घूंघट डाल के निकले। हम नहीं निकलेंगे घूंघट डाल के। अरे बोला क्यों बोला घूंघट डाल के निकल लेंगे? मैंने नहीं बोला ये सरकारी आदेश है। दीदी मेरी बात सुनो। तुम ऐसे कार्टून मत कहो। सुनो प्रधान जी आज तो ये भेज दिए आइंदा हमारे यहाँ भेज मत देना। हम तो अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। क्यों दीदी? और क्या ठीक है पर 11,000 रुपए जमा कर। और क्या बात के 11,000 रुपए दे दे? इसी बात के तुमने हमारी बात नहीं मानी। किसने कहा है तुमसे 11,000 रुपए लेने के लिए? जरा हमें बताओ कौन से कमिश्नर ने कहा कौन से मिनिस्टर ने कहा किसका आदेश है तुमसे? हराम का खाने की आदत हो गई है के? ये सरकार का आदेश है। कौन सी सरकार का आदेश है? तू चला जा रे टोपा को ये आदत है। अपनी भैंस चुंगा ले जाके नहीं तो टोपा भी छीन लेंगे। मत कहो मुखिया ही देख लो उदमबाजी कर रही है ना। उदमबाजी कर रहे तुझसे? अरे तुम पकड़ो अपना राइफल पकड़ो और ये पकड़ो अपना टोपा चमचागिरी कर ले। वाह मुखिया जी सुनो ये पकड़ो अपना राइफल भाई ऐसी लूं तुम्हें बात देख रो। मेरी सवेरे से शाम तक भैंस भूखी होंगी। तुमने जाई मैं ना एक भी माल के दे रही ना कछु मैं तो चलो अपने घर है निकलने में भागा दे आने में भागा जी। मेरी कोई जिम्मेदारी ना अपने आप देखो जा 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 चल हेलमेट लगा के घूमे पूरे दिन। अब बता मुखिया जी किस चीज का चालान चाहिए तुम्हें? चालान नहीं हमें तो 11,000 रुपए का जुर्माना चाहिए। रस्सी चल गई बल नहीं गया मतलब अब भी तुम्हें मतलब चाहिए? मतलब तुम लोग मुखिया की इतनी सी बात नहीं मान सकते क्या? घर से घूंघट ओढ़ के निकलो। अरे कायदे की बात हो वो मानी जाती है फिजूल की बात कौन मानता है? मतलब मुखिया तो हर गली में घूमे तो क्या हम हर गली में घूंघट मार के निकले? हमारी बेचारी चाची
घूंघट मार के निकलेंगी, चार पटक और खाएंगी। देखो, और हम हमें क्या घूंघट मार के चलने की आदत है, हमें तो नहीं है। सारे बाहर सुनो, अब तुमने जो भेजा सो भेजा, आइंदा किसी चमचे को देख ना ले और आगे से कोई आना जाए, चलो हाँ। और किसी को ना पैसा मिलना ना, अपने नियम बनाया करो, अपने तक ही सीमित रखा करो, हम तक मत पहुंचाया करो। तो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, और देखो एक दो दिन में मैं नई योजना निकाल बना लो कुछ। कोई नई योजना नहीं चलेगी, अब नई योजना इस गांव में सिर्फ वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे। हम औरतें अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। चल जा मोदी, तू भी आगो कछु ना बिगाड़। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो नई योजना के बारे में सोचो।